You, what's up guys, welcome back to LokiCraft gameplay video. तो guys, आज हम वही वाला gameplay खेले जा रहे हैं LokiCraft. तो यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा मैंने बदलाव तो कर दिया है, आपको देखने के लिए तो मिला ही होगा. अब आपको दिखाता हूँ घूम कर. तो guys, आप देख सकते हैं कि जो मेरा castle है उसका क्या बदलाव कर दिया मैंने. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक साइड, दोनों साइड पर एक मस्त वाली जो सीढ़ी बना दी है. तो यहाँ से स्टोन की सीढ़ी बनाई, तो इतना ज़्यादा स्टोन आप सोच रहे हो कहाँ से लेकर आए हैं, वो भी मैं बताता हूँ कहाँ से मिला है मुझे इतना सारा स्टोन, मतलब इतना ज़्यादा पत्थर. और गाइस, आपको बता दूँ तो मैंने काफ़ी दिनों से यहाँ पर बहुत सारा काम कर दिया है जो आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे. तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर डायमंड भी मुझे मिला, और डायमंड से मैंने 3 डायमंड इकट्ठे किए, और डायमंड से मैंने डायमंड पिकेक्स बनाई, और डायमंड पिकेक्स से मैंने ये वाला ब्लॉक, मतलब ये जो ऑब्सीडियन होते हैं, ये ब्लैक ब्लैक वाले जो ब्लॉक है, ये ऑब्सीडियन होते हैं, इनको इकट्ठा किया. और इसके बीच ये फ्लिंट एंड स्टील लगाने से ये ऐसा नेदर पोर्टल बन जाता है. तो इसके अंदर अगर हम जाएं, तो अभी तक मैं गया नहीं हूँ वैसे, तो इसके अंदर हम जाएंगे तो भाई हम अलग सी दुनिया में चले जाएंगे. तो अब आप वहाँ पर एक मस्त वाली स्वर्ग वाली सीढ़ी देख रहे होगे, मतलब स्वर्ग को जाता हुआ रास्ता देख रहे होगे ऊपर को. तो उस साइड भी हम जाएंगे अगर आप चाहते हैं कि हम उस साइड जाएँ, तो भाई जल्दी से जाकर सब्सक्राइब के बटन को क्लिक. तो शायद नैदर में जाने से पहले कहते हैं लोग कि गोल्डन बूट बना लेने चाहिए. तो अगर हम गोल्डन बूट पहन कर जाएंगे तो भाई हम बच जाएंगे. तो गोल्डन बूट बना लेता हूँ मैं जल्दी से. तो यहाँ से मैं ना थोड़े से गोल्ड इकट्ठा करता हूँ, और गोल्ड से हम बना लेते हैं एक गोल्डन बूट. तो यहाँ से एक गोल्डन बूट बन रहा है. तो बस, तो हमें क्या करना है, अपने यहाँ से गोल्डन बूट पहन लेने हैं. दूसरे बूट को हम ना यहाँ पर स्टोर करवा कर रख लेते हैं, आयरन वाले बूट को, और यहाँ पर गोल्ड है वो भी स्टोर करवा लेते हैं. वैसे मैं नैदर में जा रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मैं सामान लेकर तो नहीं जा रहा. यहाँ पर ये रेड स्टोन ऐसे भी रख लेते हैं, और ये रेड स्टोन ना कुछ टॉर्च है रेड स्टोन की, तो उसे भी यहाँ पर रख लेता हूँ मैं. तो अब मैं चलता हूँ भाई सीधा ही नैदर में. तो अब चलते हैं गाइस नैदर में. नैदर में जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर खड़े होना है सिर्फ. तो ऐसे हेर कर भाई, क्या देखो भाई, मुझे नहीं पता क्या होगा वहाँ पर. तो गाइस फाइनली हम नैदर में आ चुके हैं. तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी लग रहा है, बट ठीक है जो भी है. तो आप देख सकते हैं कि क्या मस्त वाला, मतलब बढ़िया सी चीज़ लग रही है, और हमारा पोर्टल. और गाइस ये देखिए, यही है वो नैदर कोटेज जो लोग बात करते हैं. तो यहाँ पर अभी तक कोई मोब नहीं है. तो हम यहाँ पर ना नैदर कोटेज इकट्ठा करने आए थे. तो मेरे पास आयरन की पिकेक्स है, यहाँ से आयरन की पिकेक्स से मिल रहा है. हम आयरन की पिकेक्स से बस नैदर कोटेज इकट्ठा करेंगे और भाग लेंगे यहाँ से बस. तो गाइस मैंने थोड़ा बहुत 30 नैदर कोटेज इकट्ठे कर लिए हैं. तो अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, बट अभी हम अभी के लिए इतने ही हैं. तो हम चलते हैं वापस अपने गांव को, मतलब अपने घर को. तो देखते हैं भाई क्या होता है. और गाइस फाइनली मैं दोबारा से अपनी छत पर आ चुका हूँ, और कोई टेंशन नहीं. यहाँ पर आकर मौसम बहुत बढ़िया है. वहाँ का आप देख सकते हैं कि वहाँ की दुनिया में भाई अंधेरा ही अंधेरा था, और काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सा लग रहा था. ना कोई पेड़ था, ना कोई पौधा, लावा ही लावा था, कुछ अलग सा था. बट फिर भी चलो बढ़िया था जो भी था. तो अब हमें क्या करना है, इस नैदर कोटेज की कोई क्या चीज़ें बनती है. यहाँ से नैदर कोटेज का एक ब्लॉक बनता है, तो हमें ब्लॉक तो नहीं बनाना. एक रेडस्टोन कॉम्परेटर है. अगर हम रेल को बनाना चाहते हैं तो रेडस्टोन कॉम्परेटर हमें बनाना पड़ेगा. हमें चाहिए 3 रेडस्टोन और ये क्या है, एक स्टोन, 3 स्टोन. तो वो हमारे पास हो गए शायद. यहाँ पर हमें पिस्टन भी बनाना है एक, वो भी हमें चाहिए. तो यहाँ पर 3 स्टोन और चाहिए, और वो है प्लैंक है हमारे पास, एक स्टील, मतलब आयरन इनगट, और एक वो. तो बढ़िया, मतलब ये सारी चीज़ें इकट्ठी मैं अभी कर लेता हूँ. तो गाइस मैं ले आया हूँ वो सारी चीज़ें. तो अब आप सोच रहे होंगे कहाँ से लेकर आया हूँ, तो बता देता हूँ भाई. एक मैंने यहाँ पर ना एक बना लिया चीज़ जो स्टोन अनलिमिटेड हमें देगी. ओ भाई ये मारेगा पक्का मारेगा. मैं गया, रुक जा यार, यहाँ से ना हम स्टोन अनलिमिटेड. यार रुको, इसको मैं पहले मार कर आता हूँ, इसके हेड शॉट पड़ने. अरे मेरे हेड शॉट मार रहा है यार ये तो. चल, अरे पानी में, अच्छा बाहर जाएगा तो जल जाएगा, इसीलिए पानी में छुप कर बैठा था. तो यहाँ पर ना हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले ऐसे करके बैठना है, बस इसे तोड़ना है. सॉरी, आगे थोड़ा सा आगे होना है, और ये कलेक्ट होगा. अभी देखा कलेक्ट हुआ. अभी यहाँ पर एक ब्लॉक और आ चुका है कोबलस्टोन का. ऐसे करके ना, मतलब थोड़ा सा ना हमें
बैठना यहाँ पर ऐसे कर कर बस तोड़ते जाना है, तो यहाँ पर ना ऐसा ही चलता जाएगा। बस पिक पिकेक्स आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा पिकेक्स बना कर रखता हूँ पहले ही। तो अब आई थी हमें वो चीज़ें बनाने की जो हमें चाहिए थी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर पिस्टन बन रहा है, तो एक पिस्टन हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर तो तीन पिस्टन बन रहे हैं, पर हमें अभी एक की ज़रूरत है। तो हमें और क्या बनाना था, पिस्टन के बाद बनाना था हमें एक रेडस्टोन कॉम्परेटर भी मिल रहा है, तो हम पहले ये बना लेते हैं। अब रेडस्टोन रिपीटर भी चाहिए, उसके लिए हमें थोड़े बहुत स्टोन और चाहिए, तो यहाँ से मुझे मिल रहे हैं अभी भी। तो यहाँ पर मैं थोड़े बहुत स्टोन और रखा लेता हूँ, तो थोड़े बहुत स्टोन इस तरफ भी रखवा देते हैं, वो भी काम आ जाएंगे। तो दोनों चल रहे हैं, इसलिए जल्दी मतलब जल्दी स्मेल्ट हो जाएगा हमारा सब कुछ। तो अब मुझे चाहिए थे रेडस्टोन कॉम्परेटर, तो अभी भी नहीं बन रहा। अभी तीन चाहिए यार, शायद हमारे पास टॉर्च नहीं है। ओहो, रेडस्टोन टॉर्च शायद बन जाए अभी अभी, तो पहले उसके लिए स्टिक बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हाँ, रेडस्टोन टॉर्च मैंने बना लिया है, तो एक और बनानी है, अब आ जाए। पहले मैंने दो बना लिए थे, देखो यहाँ पर दो आ रहे हैं ना, रेडस्टोन कॉम्परेटर, तो यहाँ पर रेडस्टोन रिपीटर। तो अब हमें मतलब ये ना एक हिसाब से आपको ना दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आपको एक चीज़ें बन जाएगी। तो अब हमारे पास वैसे वो चीज़ें हैं, बट अभी हमारे पास रेल नहीं है। तो एक रेल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो रेल के लिए क्या भाई, ये तो एक्टिवेटर रेल है। थोड़े बहुत ना स्टील चाहिए, तो स्टील आयरन इनगट को हम स्टील भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टील जैसे ही होता ना ये सब कुछ। तो लोहा चाहिए, तो लोहा के लिए मैं ले आया हूँ, ये रही आम रेल। तो 16 बन जाएगी एक बार में, तो कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं यार, हमें क्या बने जाना बने, तो कोई टेंशन नहीं। अब तो हमने बना लिया रेल, तो अभी हमें ना ज़्यादा रेल बनानी है। तो इसका ना मैं एक ना फैक्ट्री सी लगा देता हूँ, एक मस्त वाली, जो हमें डबल रेल दोबारा दोबारा से मतलब एक रेल से हमें कितनी सारी रेल मिल जाएगी। तो हम इस सीढ़ी को पूरा कंप्लीट कर देंगे और एक बनाएंगे माइनकार्ट, तो उसमें हम डाल देंगे। तो उसको बनाने के लिए ना मैंने ये जगह चुनी है, तो यहाँ पर वैसे भी एक खड्डा हुआ है, तो वहाँ पर हम सारी रेल इकट्ठी कर लेंगे। तो अच्छे तरीके से हो ना, तो यहाँ पर एक ब्लॉक मैं यहाँ पर लगा देता हूँ वैसे ही ऊपर चढ़ने के लिए। अब यहाँ पर अब मुझे अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जाकर मुझे यहाँ पर लगाना है एक पिस्टन। तो पिस्टन हमें ना अपने मुझे चाहिए था एक स्टिकी पिस्टन, तो मैं स्टिकी पिस्टन बनाकर मिलता हूँ भाई। तो फाइनली गाइज मैंने स्टिकी पिस्टन भी बना लिया। स्टिकी पिस्टन बिल्कुल वैसा ही पिस्टन होता है जैसे कि आम पिस्टन है, बस उसमें हमें ना एक स्लाइम बॉल चाहिए। तो स्लाइम बॉल ढूंढने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा दूर दूर गया। मतलब स्लाइम बॉल होती है, एक स्लाइम मॉब होता है जो डब्बे की तरह होता है, जो उछलता कूदता रहता है, उसे मारना होता है और उससे हमें एक बॉल मिलती है। तो वो उसे ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, इसीलिए मैंने दिखाई नहीं वीडियो, इसीलिए मैंने उसको दिखाया नहीं। तो यहाँ पर हमें बस एक स्लाइम बॉल स्टिकी पिस्टन चाहिए था, तो यहाँ पर हमें ऐसा चाहिए। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं भाई, ये एक डबल मतलब ऐसे बनाते जाएगा ये, मतलब ऐसे हमेशा के लिए। मतलब यहाँ पर हमने रेल रख दिया, तो अब ये हमेशा के लिए ऐसे चलता रहेगा और ऐसे करके हमें रेल देता रहेगा। तो अब अगर हमें ये रेल कलेक्टर मतलब चाहिए, अगर आप बनाना चाहते हो तो भाई आप अपने वर्ल्ड में बना सकते हो। तो अब आपको पूरा टूर करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, लोकी क्राफ्ट में, असल में लोकी क्राफ्ट में ऐसा होता है, तो लोकी क्राफ्ट में ये आपको लिए बन जाएगा आराम से। तो हमें क्या, एक तो स्टिकी पिस्टन चाहिए और साथ में एक कॉम्परेटर चाहिए और एक रेडस्टोन रिपीटर चाहिए, कॉम्परेटर। और फिर यहाँ पर हमें ऐसे कर कर बिल्कुल टी शेप में रेडस्टोन लगा देने हैं, और उसके नीचे ये तीन मतलब रेडस्टोन टॉर्च लगा देने हैं उसके नीचे। तो उसके नीचे रेडस्टोन टॉर्च लगा कर यहाँ पर ऊपर हमें ये ऐसे ब्लॉक लगा देना, और ये वर्क करना शुरू हो जाएगा बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके नीचे हमें बस सिर्फ और सिर्फ ये रेल लगानी है। तो
आप देख सकते हैं कि भाई ये अनलिमिटेड बनती ही जाएगी। अब मैं इसके बीच जाऊंगा ना, ये सारी के सारी मेरे पास कलेक्ट हो जाएगी। अभी देखना आप भाई, मस्त तरीके से कलेक्ट हो रही है ये सब। तो अगर आप चाहते थे यहाँ पर ना, मैं होपर लगा सकता था। होपर लगा कर मैं यहाँ पर चेस्ट लगा सकता था। होपर क्या होता है, एक मतलब कलेक्टर होता है जिससे चीज़ें उसमें जाएंगी और सीधा ही चेस्ट में चली जाएंगी, पर वो लगाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता। तो अगर आपको ये मतलब मशीन अच्छी लग रही है तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। पर कितनी सारी रेल बन गई होगी देखो भाई, लैक मारनी शुरू हो जाएगी गेम जितनी हमने मैंने बना दी यहाँ पर। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस साइड भी जाऊँ स्वर्ग की पौड़ी पर, तो ये अभी बन रहा है, तो अभी ये रेल सारी वहाँ पर लगाएंगे और फिर हम जाएंगे बट अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।